हाय गाइस, आप लोगों के साथ में आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक रियल स्टोरी। हम लोगों ने कई बार ऐसी मूवीज तो देखी हैं, लाइक सिंघम मूवी हमने देखी है, रॉबिन हुड पांडे मूवी हम लोगों ने देखी हुई है, लेकिन आज की जो स्टोरी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो जुड़ी हुई है महाराष्ट्र के साथ में, और महाराष्ट्र के एक IAS ऑफिसर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक्चुअली अगर आप प्रेजेंट टाइम पे देखें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मेन और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर का है। अब वो एडमिनिस्ट्रेटर कैसे काम करता है, कैसे चीज़ों को हैंडल करता है, उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आपको देखने को मिलने वाला है, जिनको हम रियल सिंघम के नाम से भी जान रहे हैं। तो आइए ज़रा बात करते हैं कि किस तरीके से जो महाराष्ट्र स्टेट है, जहाँ पे कोविड के केसेस बिल्कुल पीक पे आपको देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे कौन सा वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हर एक चीज़ सरप्लस में पाई जा रही है। जी हाँ, सरप्लस का मतलब समझ रहे हैं, मतलब हर जगह पे शॉर्टेज हो रही है, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़, चाहे वो ICU बेड्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो ये स्टोरी डेफिनेटली आपको इंस्पायर करेगी, एंड इस पेंडेमिक के टाइम पे ये स्टोरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। आइए ज़रा बात करते हैं इनके बारे में। हाँ जी, तो ही इज़ अ पर्सन जिनका नाम है, चलो नाम भी लिख के हम बता दें भाई, नाम तो बड़े ही काम का है, क्योंकि जो काम इन्होंने किया है ना उसके आगे तो हर एक बंदे को इनका नाम मालूम होना चाहिए। तो इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र बारुद। तो आप कहेंगे कि इन्होंने कौन सा कीर्तिमान स्थापित कर दिया, मैम एक IAS ऑफिसर ही तो है ना बेटा। IAS ऑफिसर होना कोई हलवा पूड़ी नहीं है, और यहाँ पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट को मैनेज कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ज़रा सुनिएगा, ये कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं पहले तो ये जानिए। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक ट्राइबल एरिया देखने को मिलता है। ट्राइबल एरिया का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन्स वहाँ पर नहीं रहते। और ये जो जगह है वो जगह कौन सी है आप देख सकते हो यहाँ पे, नंदुरबार। कौन सी जगह है? नंदुरबार। शायद ही आपने इस जगह का नाम आज से पहले कभी सुना होगा। ये एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर। अब जरा इसकी पूरी कहानी सुनिएगा। देखिए, प्रेजेंट टाइम में ये एक ऐसा जिला बन चुका है जहाँ पे ऑक्सीजन सरप्लस मात्रा में है, हॉस्पिटल बेड्स सरप्लस हैं, यहाँ पे आइसोलेशन के लिए जो अलग अलग वार्ड्स बनाए गए हैं वो भी सरप्लस में है। इवन जहाँ पे हर एक स्टेट अभी ऑक्सीजन प्लांट के बारे में सोच रहा है, सिर्फ सोच रहा है, वहाँ इस जगह पर ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा चुके हैं, और तीसरा बनाने के बारे में अभी सोचा जा रहा है। तो ये ऐसे हुआ कैसे? ये अचानक से इतना बड़ा करिश्मा कैसे हो गया? क्या किया क्या इस बंदे ने? तो ज़रा इनके बारे में हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में स्टोरी है क्या। देखिए, हुआ क्या था, सितंबर 2020 की अगर बात करें तो उस टाइम पे भी ये पेंडेमिक की सिचुएशन थी। हाँ, कंट्रोल्ड थी, बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हो रहे थे, लेकिन सिचुएशन तो थी ना। और एक एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो सिचुएशन को आने से पहले उसका सल्यूशन निकाल लेता है। अगर आपने एस्पिरेंट वाली सीरीज देखी होगी तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ पता होगी कि आपको हर एक चीज़ को पॉजिटिवली लेना होगा, और उसके लिए पहले से तैयार होना पड़ेगा। तो 2020 में सितंबर में इनको ये चीज़ मालूम थी कि ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन अभी चल रही है, ये आगे चल के बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन में भी पहुंच सकता है। तो इन्होंने क्या किया था, एक्चुअली 2020 में ही एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बारे में सोच लिया था। कहाँ पे? इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन जब इन्होंने ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया था तो इन्होंने सोचा था हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कितना प्रोडक्शन हो रहा था, अप्रॉक्स यहाँ पे 600 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इन्होंने इसकी शुरुआत तभी कर दी थी, ठीक। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे ये पेंडेमिक बढ़ता चला गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम महाराष्ट्र के अंदर ये आ गई कि ये एक ट्राइबल एरिया था, और इसका जो बॉर्डर है वो शेयर होता है गुजरात और MP के साथ में। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट है तो लोग क्या करेंगे, माइग्रेट करना शुरू करेंगे, उधर आना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाहर से भी, दूसरे राज्यों से भी लोगों ने आना शुरू कर दिया। जब दूसरे राज्यों से लोग आएंगे तो क्या पता वो इन्फेक्टेड हैं कि नहीं है, बस यहीं पे कहानी हो जाती है। और इस जगह पर एक दिन के अंदर करीबन बताया जा रहा है कि 1210 केसेस देखने को मिले एक दिन के अंदर। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सिचुएशन इनके लिए क्रिएट हो गई कि भैया एक ही ऑक्सीजन प्लांट है और अभी तक हमको कुछ नहीं पता बेड वेड के बारे में कि क्या सीन चल रहा है। एक दिन में जहां पर इतने सारे केसेस देखने को मिले, इनका दिमाग तुरंत से चला और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाई काम नहीं हो पाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा भाई, लोचा हो गया। अब इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, जितने भी स्कूल्स थे, क्योंकि ट्राइबल एरिया है
तो ऑब्वियसली बात है स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, लेकिन फिर भी जितने स्कूल्स थे इन्होंने इसको एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट कराया। साथ में हर एक हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने ICU बेड्स को अवेलेबल कराया। अगर हम यहाँ पे ICU बेड्स या फिर वेंटिलेटर्स की बात करें तो आपको बता दें कि अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा में करीबन 150 ICU बेड्स हैं जो वेकेंट पड़े हैं, मतलब इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो सोच सकते हो कि इन्होंने कितने अच्छे तरीके से काम किया होगा। भैया तालियां बजती रहनी चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, समझ रहे हो मतलब कैसी बात कर रहे हो। तो यहाँ पर 150 टोटल अभी ICU बेड्स यहाँ पे वेकेंट पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, जहाँ पे हर जगह पे अगर आप देखेंगे तो लोगों को अपने बेड छोड़ने पड़ रहे हैं। आपने एक स्टोरी देखी होगी, एक बुजुर्ग दादाजी थे, उन्होंने अपना बेड छोड़ दिया था एक यूथ के लिए और बाद में उनकी डेथ हो गई। तो जब सिचुएशन ये चल रही है तो यहाँ पे तो भैया एक्सेस में चीज़ है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई एक ऑक्सीजन प्लांट से काम नहीं चलेगा और इन्होंने एक और ऑक्सीजन प्लांट क्रिएट करवा दिया, जिसमें अभी माना जा रहा है कि अच्छा खासा ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से क्रिएट हो पा रहा है। अच्छा, तीसरी बात, ट्राइबल एरिया है, यानी कि लोग जो हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होंगे, डेफिनेट सी बात है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक मोबाइल सर्विस शुरू करी। मोबाइल सर्विस का मतलब हेलो वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल सर्विस का मतलब है एक वैन इन्होंने बनाई और उस वैन के साथ में इन्होंने टोटल ऐसे समझ लो 16 व्हीकल्स की शुरुआत करी। 16 व्हीकल इन्होंने लिए और इन व्हीकल्स के अंदर क्या किया, एक ऐसे व्यक्ति को बैठाया गया जो वैक्सीन की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएगा। क्योंकि क्या होता ना, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ट्राइबल लोग हैं उनको नहीं पता, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब वो लोग ऐसे तो है नहीं आप लोगों की तरह कि हमेशा यूट्यूब चलाते रहें, हमेशा इंस्टा चलाते रहें, तो इन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए पहले लोगों का विश्वास जीतना ज़रूरी था। ये सब चीज़ें पता है, अगर आपने कभी इथिक्स की किताबें पढ़ी होंगी तो डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, क्योंकि UPSC इसी तरीके से स्टोरीज आपको देता है और इसके ऊपर केस स्टडी करवा देता है। तो भैया ध्यान रखना जितने भी UPSC वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये मोबाइल सर्विस शुरू करी और लोगों को यहाँ पे जागरूक करना शुरू किया कि भाई देखो वैक्सीनेशन से क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं। जब ये चीज़ें स्टार्ट करी गई तो वहाँ पे लोगों ने अपना वैक्सीनेशन करवाना भी शुरू कर दिया है। तो एक्चुअल में जो रियल सिंघम या फिर जो रियल रॉबिनहुड पांडे हैं वो इस टाइम पे कौन बन चुके हैं, ये बन चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो आई जस्ट विश कि ये जो यहाँ पर इन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया है, अगर हर एक स्टेट के अंदर हर एक पर्सनालिटी अगर कुछ इस तरीके से काम करेगा, अपने ही लिए कम से कम काम कर ले, तो भी यहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। तो अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा कर सकता है तो वाई नॉट अदर्स, उनके आगे फिर क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ है। तो यहाँ पर इनको एक सल्यूट तो बनता है, पटाक से कमेंट बॉक्स में इनके लिए एक सल्यूट करिएगा और उम्मीद करेंगे कि इन्हीं की तरीके से बाकी लोग भी यहाँ पे चीज़ों को और भी ज़्यादा बेटर बनाएंगे। क्योंकि अगर प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन देखी जाए तो इन्होंने कोविड को टैकल तो किया है, लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे थे इन्होंने 30% दूसरी तरफ से कम भी करने की पूरी कोशिश करी एंड ही सक्सीडेड। वही बात है ना, जहाँ चाह है वहीं पर आपको राह देखने को मिलेगी। जब चाहत ही नहीं होगी किसी चीज़ की तो लाइफ में वैसे भी कुछ हासिल नहीं होता। तो ये थी स्टोरी, जहाँ पे आई होप कि आप ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो, क्योंकि दिस इज़ अ रियल स्टोरी, तो डेफिनेटली इसको एक बार से लाइक करिएगा और बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए ज्वाइन मी 7 AM कहाँ पे, वाई फाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी ताकि आप भी यहाँ पे इंस्पायर हो सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में दोपहर में 2 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे एट होम एंड बी सेफ।